ना चाहते हुए भी फुकरा इंसान ने जिया शंकर को बोली एक ऐसी बात जिसके बाद भी जिया शंकर रोई नहीं, लेकिन और कुछ बचा भी नहीं। दोस्तों जिया शंकर यूं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है और दोस्तों अक्सर अपने इमोशन छुपा लेती है, लेकिन दोस्तों जब जब फुकरा इंसान कोई भी बात इनको बोलते हैं या कोई जोक ही मार लेते हैं जो जिया को ऑफेंड कर जाता है, तो दोस्तों जिया से नहीं रहा जाता, जिया के चेहरे पर साफ साफ दिख जाता है। और दोस्तों जिया ने तो इस बार वैसी बातें भी बोली है। और दोस्तों यह बात भी शाश्वत सत्य है कि दुनिया में आपको वो ही इंसान आपके मुँह पर कड़वा सच बोलेगा जो सच्ची में आपकी केयर करता हो, आपके बारे में अच्छा सोचता हो। नहीं तो दोस्तों आज के टाइम में दुनिया मीठा मीठा बोल के काम निकलवाने में ही लगी हुई है और दोस्तों ऐसे लोगों की आपके आसपास कमी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों आपका जो अच्छा चाहते हैं वो आपके बारे में आपको सच बताएंगे। और दोस्तों ऐसे लोगों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तभी तो दोस्तों जिया शंकर और पलक पुरुषवानी को इतना कुछ सुनने के बाद भी फुकरा इंसान की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है और दोस्तों जिया इस तरीके से फुकरा को डांटती है जैसे आगे से ऐसे और टोंट सुनना ही चाहती हो। कुल मिला के जिया को फुकरा की बातें अच्छी लग रही है, लेकिन दोस्तों फुकरा ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से जिया शंकर को इतना ज़्यादा बुरा लगा था, मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। दोस्तों मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, आई अप्रिशिएट सो मच, बट यार आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना शायद से भूल जाते हो, तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि दोस्तों होता ये है ना आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से पैसे वैसे तो खैर नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं जिया शंकर और फुकरा इंसान की। खैर दोस्तों फुकरा इंसान इस वक्त आकांक्षा पूरी, पलक पुरुषवानी, जिया शंकर के साथ में काफ़ी अच्छी दोस्ती शेयर कर रहे हैं। अभी होता यह है जिया शंकर पलक पुरुषवानी आकांक्षा पूरी के पास में बैठी होती है, क्योंकि दोस्तों आकांक्षा पूरी ऑलरेडी काफ़ी दिनों से, दो तीन दिनों से जेल के अंदर है और दोस्तों आकांक्षा पूरी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है, जिसकी वजह से जिया शंकर और पलक पुरुषवानी आकांक्षा पुरी के पास आकर आकांक्षा का मन बहलाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद में वहीं पर फुकरा इंसान भी आ जाते हैं और दोस्तों फुकरा इंसान वहां पर आकर जिया शंकर पलक पुरुषवानी के साथ में ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद में दोस्तों पलक पुरुषवानी जिया शंकर फुकरा इंसान से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है अभिषेक अगले हफ्ते मतलब इस हफ्ते वीकेंड कवर पर किसका इविक्शन हो सकता है। तो इसके बाद में दोस्तों फुकरा अपना ओपिनियन देता है, बाय द वे अगर आपको नहीं पता कौन कौन नॉमिनेटेड है तो मैं आपको बता देता हूँ, अविनाश सचदेवा, उसके बाद में जो बेबी का ध्रुव है, जिया शंकर है, पलक पुरुषवानी है, ये लोग एंटर मतलब नॉमिनेटेड है, अब इनमें से किसी का इविक्शन होना है। अभी दोस्तों फुकरा बोलते हैं कि बेबी का कैसी भी हो नेगेटिव हो बट उसने कंटेंट दिया है, अविनाश ने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा है शो में, मेरे अकॉर्डिंग ना जिया पलक तुम दोनों में से ही कोई जाने वाला है। लेकिन दोस्तों जिया शंकर को अपनी फैन फॉलोइंग पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है, जिसके बाद भी जिया शंकर गुस्सा भी होती है फुकरा पर, बोलते कि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तुमसे बात नहीं हुई तो क्या हुआ। इसके बाद भी दोस्तों फुकरा बोलते कि ठीक है मेरा काम था बताना और मैं तो चाहता हूँ तुम यहाँ पर रुको। इसके बाद में जिया सच्ची में थोड़ी सी सैड होती है क्योंकि फुकरा के मुँह से ऐसी बातें सुनना सच्ची में काफ़ी